हम फौजी हैं लेकिन बारूद से नहीं बने, न हमारे सीने में दिल की जगह डायनामाइट है, न आंखों में पानी की जगह आग। हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं, हमें भी जब अपनों की याद सताती है तो चैन की सांस नहीं लेने देती। हमारी धड़कनों में हिंदुस्तान है लेकिन पर्स में 5 वर्ष की बेटी। किसी की फोटो सीने से लगा के सोते हैं, किसी का दिया हुआ ताबीज पहनकर खुश होते हैं, और घर से चिट्ठी आती है तो लिफाफा चूम के रोते हैं। हमें दवाओं और मरहूमों की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब कोई गोली बाजू चीर जाती है तो माँ की फूक बहुत याद आती है। तो अगली बार जब अखबार में खबर पढ़ना कि कलवान की घाटी में 20 फौजी शहीद हो गए, तो हमें गिनती समझ के भूल मत जाना, साथ ही समझ के याद रखना। आप सभी को मेरी तरफ से शहीदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, ऑल अदर रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम साक्षी फ्रॉम नर्मदा हाउस। टुडे आई एम प्रेजेंट हेयर एज अ होस्ट ऑफ दिस मॉर्निंग असेंबली। 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है एतराज बड़े, 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है एतराज बड़े, वहां सियाचिन की सरहद पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े, से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर दो घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना, वही तो रहती है वो जिसके साथ मरने जीने का वादा निभाया था। उससे कहना भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना, मैंने खुद से ये शहादत चाही है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। समझ सको तो समझो दिल भर जाने, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तो मैं है और थोड़ी खींचा कहानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। Yeah।
आप साक्षी के लिए बहुत अच्छी क्लैपिंग कीजिए। आज की प्रस्तुति जो थी साक्षी की, बहुत सराहनीय, प्रेरणादायक और हमें प्रेरित करने वाली थी। आप सभी विद्यार्थियों को भी इस तरह के जो है आपसे, आपको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और कार्यक्रम जब भी आप मंच पर आए तो इस तरह के कार्यक्रम आप तैयार करके लेके आए। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक वृंद, मेरे देश का भविष्य, होनहार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। शहीदी दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा विद्यार्थियों ने आपके सामने आज का प्रस्तुतिकरण रखा है शहीदों के ऊपर, तो हमारा हरियाणा का शहीदी दिवस है 23 सितंबर। हमारे हरियाणा प्रांत में स्पेशली जो है, हरियाणा प्रांत के अपने देश की आज़ादी के लिए जो शहीद हुए हैं उन सबको ये दिन समर्पित है। और इनके अंदर सबसे ऊपर जो नाम जो रखा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी के अंदर जो पहला अंग्रेजी सरकार के खिलाफ देशवासियों का प्रयास था उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। और उसके अंदर चाहे आप महारानी लक्ष्मीबाई जी की बात करें, त्यानता टोपे जी की बात करें, शहीद मंगल पांडे जी की बात करें, कुंवर नारायण जी की बात करें, लखनऊ से हजरत बेगम हजरत महल की बात करें, या दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर की बात करें, उनके नेतृत्व के अंदर ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। और एक प्रथम प्रयास था कि किस प्रकार अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर भगाया जाए। इन सब महान विभूतियों ने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया। उन्हीं में से एक हमारे हरियाणा प्रांत से महान शहीद थे श्री राव तुलाराम जी, पिता श्री पूरण सिंह व माता ज्ञान कौर जी के घर में। आरंभ से ही इनके अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ या कहीं आज़ादी प्राप्त करने की एक धुन इनके अंदर भरी हुई थी। दक्षिण हरियाणा हमारा जो प्रांत है, रेवाड़ी दक्षिण हरियाणा के अंदर पड़ता है, वहाँ अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इन्होंने जबरदस्त संघर्ष किया, वहाँ के लोगों को अपने साथ एकजुट किया और लगभग 5,000 लोगों की एक सेना तैयार की और उसके साथ जो है इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो है युद्ध लड़ा। आप जानते हैं 1857 के अंदर जो है हमारे देशवासियों को सफलता तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक रास्ता तैयार करके गए। वहीं से प्रेरणा लेकर के हमारे देशवासियों ने, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आगे चल करके अनेक प्रकार के आंदोलन किए, अनेक सत्याग्रह किए और तब उसके पश्चात जो है हमारा देश आजाद हुआ। इनका प्रयास सफल नहीं हो पाया, तब इन्होंने ईरान, रूस और अफगानिस्तान से भी, विदेशों से भी जो है समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। तो ये हमारे देश के
महान शहीदों में इनका नाम गिना जाता है। 23 सितंबर उनका निर्वाण दिवस है, तो हरियाणा के अंदर 23 सितंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप जानते हैं हमारा हरियाणा प्रांत जो है वैसे जनसंख्या में बहुत कम है, क्षेत्रफल के अंदर भी बहुत कम है, लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या रही होगी। उसके बावजूद भी आप देखोगे सेना के अंदर हमारे हरियाणा प्रांत का हर 10वां सिपाही जो है हरियाणा प्रांत से होता है, और देश की रक्षा में अग्रिम पंक्ति के अंदर पाया जाता है। अभी 4 से 5 दिन पहले भी आपने सुना होगा किस प्रकार हमारे पानीपत से कर्नल जो सेना के अंदर भर्ती थे आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां हरियाणा का सैनिक जो है शहीद नहीं होता। अपने देश की आन बान शान के लिए वो अपने जान को निछावर कर देते हैं। ये परंपरा आज से नहीं है, ये राव तुलाराम जी से या शहीद मंगल पांडे जी ने जो शुरू की थी वहीं से आज भी यह परंपरा चली आ रही है। तो आज हम सब के लिए, देशवासियों के लिए बड़ा गर्व का दिन है कि हम ऐसे महान विभूतियों से हम सीखें, उनके नक्शे कदम पर चलें और देश की आन बान शान के लिए अपना सब कुछ जो है समर्पित करने के लिए तैयार रहें। अंत में मैं ज़्यादा समय नहीं लेते इतना ही कहूँगा, आओ झुककर नमन करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। जय हिंद, जय शहीद।